आपके लिए गुड न्यूज, और ये गुड न्यूज है ईओआर से रिलेटेड, इंक्वायरी ऑन रिजल्ट्स। हमें बहुत क्वेरीज आती हैं कि हम ईओआर के लिए अप्लाई करें या ना करें, और हम हमेशा सजेशन देते हैं कि राइटिंग स्पीकिंग में अगर आप श्योर हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेके, यू मस्ट गो फॉर ईओआर। और ऐसा ही हम एक एग्जाम्पल लाए हैं अपने स्टूडेंट तेजिंदर का, जिसका बैंड स्कोर अब ओवरऑल हो गया है 7। कॉन्ग्रेचुलेशन। और देखिए सबसे अच्छी बात, इसका एक बैंड इंक्रीमेंट हुआ है राइटिंग में और हाफ बैंड इंक्रीमेंट हुआ है स्पीकिंग में। जैसे कि आप जानते हैं कि सेम फीस में आप चारों मॉड्यूल्स में यूआर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने तेजिंदर को सजेशन दी थी कि राइटिंग ही नहीं, क्योंकि उसके राइटिंग में 5.5 बैंड थे, जबकि उसकी क्लास परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही। तो जब उसने अप्लाई किया तो हमने उसको स्पीकिंग के लिए भी अप्लाई करने को कहा। तो जैसे ही उसने दोनों में अप्लाई किया, सरप्राइज रिजल्ट्स ही हैज गॉट इंक्रीमेंट इन स्पीकिंग एज वेल। सो नाउ ही हैज गॉट 1.5 बैंड इंक्रीमेंट इन हिज स्कोर, विच इज वेरी गुड अचीवमेंट। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। सो मेरी ये सजेशन रहेगी सब स्टूडेंट्स को, अगर उनको लगता है उनकी राइटिंग और स्पीकिंग में अच्छी परफॉर्मेंस थी एग्जाम में, या फिर क्लास या मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे परफॉर्म करते थे वो, उनको ईओआर इंक्वायरी ऑन रिजल्ट्स के लिए जरूर जाना चाहिए। यू नेवर नो, ही वॉज एक्सपेक्टिंग 0.5 इंक्रीमेंट एंड ही हैज गॉट 1.5, विच इज अ ग्रेट अचीवमेंट एंड अ वेरी गुड न्यूज। सो एवरी वन, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्कोर्स, एज वेल एज इफ यू आर गोइंग फॉर ईओआर, बी पॉजिटिव, यू कैन स्कोर मोर। थैंक यू।